यूट्यूब चैनल। तो हम इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, उसके अंतर्गत हमने 5 वीडियोस के अंतर्गत, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था इकोसिस्टम, पिरामिड, फूड चेन और जो जैविक घटक है उसके बारे में पढ़ा है। तो आज उसी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम अजैविक घटक पढ़ेंगे और आप उन वीडियोस को जरूर देखना है, क्योंकि वो वीडियो समझ आएंगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आप उस वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो 5 आपके पार्ट पड़े हैं, 5ों पार्ट का नीचे लिंक है, तो लिंक में जाके आप देख सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम अजैविक घटक यानी एबायोटिक फैक्टर। इसके अंतर्गत 4 एबायोटिक फैक्टर आते हैं। 4 क्या आते हैं? अजैविक घटक आते हैं। पहला आता है आपका आता है प्रकाश, दूसरा आता है तापमान, तीसरा आता है आपका मृदा और चौथा आता है जल। तो जो पहला आता है उसका नाम है आपका प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश, लाइट। ठीक है, तो भाई प्रकाश है तो प्रकाश को किससे मापा जाता है? मापा जाता है आपका फोटोमीटर के द्वारा। किससे मापा जाता है? फोटोमीटर, फोटोमीटर। किससे मापा जाता है? फोटोमीटर के द्वारा। ठीक है, प्रकाश को किसके द्वारा मापा जाता है? फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद में मैं देखता हूं कि ये जैसे मैं एक समुद्र ले लिया मैंने, ये है समुद्र और यहां पर है सूर्य, ये क्या है? सन है। ठीक है, ये है सूर्य और यहां पर है समुद्र के अंदर जल है, क्या ये वाटर है? तो यहां पर क्या होता है कि इसकी जो निचले वाली आपका तलचट है यहां पर पाए जाते हैं डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्या पाए जाते हैं? डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इसका नाम क्या है? डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये क्या है? डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इनका लगभग ताप कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान होता है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सोलर नियतांक। कौन सा आता है? सोलर नियतांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर नियतांक। सोलर नियतांक क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन सुनना। सोलर नियतांक ये कहता है कि यदि मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वाला एरिया ले लूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई है, ठीक है, और मैं इसको 1 मिनट तक रखूं, तो इसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है? 2 कैलोरी, 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति मिनट, ये इसका मात्रक है। यानी जो सोलर नियतांक का मात्रक आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है वो क्या होता है? 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होता है। 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जैसे कोई गर्मियों के अंदर क्या जाता है कि ठंडे एरिया के अंदर घूमने जाता है, तो वहां पर देखा होगा जो घूमने जाता है वो साथ में एक काला चश्मा जरूर लेके जाता है। काला चश्मा लेके जाता है या आप जो फोटो देखते हैं उनकी, तो उसमें अंदर आप काले चश्मे वाले फोटो देखोगे, वो फोटो के अंदर काला चश्मा इसलिए लेके जाते हैं साथ में क्योंकि वहां पर क्या होता है, चारों तरफ बर्फ बर्फ होती है, तो वहां पर होती है एक आती है एल्बिडो वैल्यूज। क्या नाम है? एल्बिडो मान, एल्बिडो वैल्यू या एल्बिडो मान। एल्बिडो क्या होता है कि जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से, प्रकाश आ रहा है उसका क्या होगा? पृथ्वी से टकराकर पुनः क्या होगा? परावर्तित होगा, पृथ्वी से टकराकर पुनः आएगा। तो वहां पर क्या होता है कि बर्फ से टकरा के वापस अपनी आंख के अंदर पड़ता है, तो क्या होता है आदमी देख नहीं पाता, इसलिए जो काला चश्मा होता है पुनः क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। यानी जो सर्वाधिक एल्बिडो वैल्यू किसकी होती है, सर्वाधिक इसका मान होता है वो बर्फ का होता है। सर्वाधिक मान किसका होता है? बर्फ का, स्नो का होता है, बर्फ का। वो होता है लगभग 80% होगा वो वापस परावर्तित कर देता है, इसलिए वो देख नहीं पाता है। ये तो हो गया एल्बिडो वैल्यूज। उसके बाद में क्या आता है कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि लगभग जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जितने भी इकोसिस्टम है,
उनके अंदर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका, सूर्य का प्रकाश। लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है आया वो क्वेश्चन है, लगभग लगभग सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में, पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। यह है आपका सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद में यहां पर दो रूल आते हैं, इसको जो प्रकाश है उससे रिलेटेड दो रूल आते हैं। तो दो रूल क्या है? पहला है बर्गमान का नियम। कौन सा है? बर्गमान का नियम। पहला नियम आता है बर्गमान का नियम, बर्गमान का नियम। तो बर्गमान एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक रूल प्रतिपादित किया था, उस रूल का क्या नाम है? बर्गमान का नियम। तो बर्गमान का नियम क्या कहता है? बर्गमान साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो भी ठंडे प्रदेशों के अंदर जंतु रहते हैं उनका आकार कैसा होता है? आपका बड़ा होता है। और जो गर्म क्षेत्र के अंदर जंतु रहते हैं उनका आकार बड़ा होता है। उन्होंने ये कहा था कि जो पक्षी व स्तनधारी ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनका आकार बड़ा होता है, शरीर का आकार। और जो कहाँ पर रहते हैं? गर्म स्थानों में रहते हैं, उनका आकार कैसा होता है? आपका छोटा होता है। उन्होंने एक रू स्टेटमेंट भी दिया था कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊष्मा हानि, ऊष्मा हानि। ठीक है, तो ये जिसका शरीर का आकार बड़ा होगा उसके अंदर ऊष्मा हानि कम होगी, लेकिन जिसके अंदर शरीर का आकार छोटा होगा उसके अंदर ऊष्मा का हानि ज़्यादा होगी। इन्होंने ये कहा कि जो बड़े हैं, बड़े शरीर वाले हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे? बड़े शरीर वाले ठंडे क्षेत्रों में, और जो छोटे शरीर वाले हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? गर्म स्थानों पर, गर्म क्षेत्रों में। ये तो किसने कहा था? बर्गमान साहब ने। तो आपने देखा होगा जितने भी आपके क्या है कि जो ठंडे प्रदेश है या ठंडे देश है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो भी आपके जैसे मच्छर हो गए या कोई भी आपका बैक्टीरिया हो गए, वो मर नहीं पाए जाते क्योंकि वहां पर जीवित ही नहीं रह पाता है। उसके बाद में एक और जो रूल आता है उसका नाम है एलन का नियम। क्या नाम है? एलन्स रूल। सेकेंड रूल इज एलन रूल, एलेन का नियम। एलेन एक वैज्ञानिक का नाम है, एलेन का नियम। एलेन साहब क्या कहते हैं कि जितने भी प्रकार के क्या है पक्षी व स्तनधारी होते हैं ठंडे प्रदेशों के अंदर रहते हैं, कहां पर रहते हैं? ठंडे प्रदेशों के अंदर रहते हैं, उनके अंदर हाथ पैर यानी बाह्य जितने भी प्रकार के इसके अंग है वो क्या होते हैं? या तो छोटे होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। ठंडे प्रदेशों के अंदर, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं में, पक्षी और स्तनधारी रहने वाले जंतुओं में हाथ व पैर छोटे होते हैं, हाथ पैर या बहिरांग छोटे होते हैं, बहिरांग छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं या अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं या फिर अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और यहां पर स्टेटमेंट आता है कि क्या, एक और स्टेटमेंट क्या आता है उसके बाद में एक और स्टेटमेंट भी यहां पर आता है। वो स्टेटमेंट ये आता है कि जितने भी प्रकार के क्या हैं आपके, यहाँ से सूर्य आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश आ रहा है तो इसका जो ISR है ना, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इसका 50 कम से कम 50% क्या होता है? पार होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटो एक्टिवली रेडिएशन,
यानी जो सक्रिय प्रकाश संश्लेषण होता है कितना होता है 50% होता है, उसमें से जो पादप है वो कितना अवशोषित कर पाते हैं, पादप सिर्फ 2 से 10% ही क्या कर पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं। इसलिए मैंने जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत बताया था कि जो लिंडमान का 10% का ऊर्जा का नियम है, क्योंकि ये 10% ही क्या कर रहा है, आगे दे रहा है खुद, तो 1% यहाँ से किससे लेगा, प्रकाश से लेगा, 2 से 10% के बीच आता है, पार है, यानी ये पादप अवशोषित कर पाते हैं, पार का पादप अवशोषित कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रकाश के अंतर्गत। प्रकाश के अंदर क्या याद रखना है, एक किससे मापा जाता है, सोलर कॉन्स्टेंट, एल्बिडो वैल्यूज, और फिर ये दो आपके क्या आता है, फिर गए सभी 5 तंत्रों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद ये दो रूल आ जाते हैं, बर्गमान का नियम और एलेंस रूल। उसके बाद में जो सेकंड आता है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका तापमान, क्या है, टेम्परेचर। तो सेकेंड आपका अजैविक घटक है वो आता है आपका तापमान। तो तापमान क्या होता है, तापमान जैसे 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये सब तापमान है। तापमान की भी इकाइयाँ होती हैं, डिग्री सेल्सियस हो गया, फेरेनहाइट हो गया, या केल्विन के अंदर मापा जाता है। और इसको डिटेक्ट करना, यानी इसको किस में मापा जाता है, वो आपको पता है थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, थर्मामीटर। सेकेंड इज आता है आपका तापमान, इसको किससे मापा जाता है, यानी मापा जाता है वो मापा जाता है थर्मोमीटर के द्वारा। मापा किससे जाएगा, थर्मोमीटर, किससे मापा जाएगा, थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। उसके बाद में तापमान है, तापमान को किसे डिटेक्ट करने की इकाई को क्या बोलते हैं, आपके थर्मोमीटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ कि तापमान कितना कहाँ पर होता है। पीछे मैंने अभी बताया था हाइड्रोथर्मल वेंट्स, क्या बताया था, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड और ऊपर के जो भी प्रदेश है, उत्तरांचल हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पर पाए जाते हैं आपके गरम सल्फर के झरने, गरम सल्फर के झरने। तो गरम सल्फर के झरने क्या कितना होता है, लगभग इनकी वैल्यू होती है 80 डिग्री, कितनी होती है 80 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड जो आता है वो आता है आपका मरुस्थल, रेगिस्तान, गरम रेगिस्तान, कैसा रेगिस्तान, गरम रेगिस्तान। रेगिस्तान भी दो प्रकार का होता है, एक ठंडा रेगिस्तान होता है, एक गरम रेगिस्तान होता है। ठंडा जैसे गोभी रेगिस्तान हो गया, और गरम के अंदर कौन सा होता है, थार रेगिस्तान। इसका लगभग होता है 50 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वैल्यूज होती है। उसके बाद में इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके अनुकूलन, फिर क्या पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का अनुकूलन होगा। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं अनुकूलन, क्या पढ़ेंगे, अनुकूलन। तो अनुकूलन में यहाँ पर 3 प्रकार का अनुकूलन पढ़ूंगा, कितने प्रकार का अनुकूलन पढ़ूंगा, 3 प्रकार का। पहला जो पढ़ूंगा वो आएगा आपका मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, और जो सेकेंड आएगा वो आएगा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एंड जो थर्ड आएगा वो आएगा बिहेवियर, बिहेवियरल अडाप्टेशन बोलते हैं अनुकूलन को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन बोलते हैं। तो मैं अडाप्टेशन को 3 पार्ट के अंदर 3 है अडाप्टेशन, उनको पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा कौन सा है, फिजियोलॉजिकल, थर्ड कौन सा है, बिहेवियरिकल, कौन सा आता है, बिहेवियरिकल, ठीक है। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल, कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल, पहला इज है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ये आपको इंग्लिश में याद रखना है, मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल के अंदर क्या आता है, आपने देखा होगा कि मरुस्थल के अंदर पाया जाता है कैक्टस, क्या है, कैक्टस, जैसे फॉर एग्जांपल ये है कैक्टस,
ठीक है, यह है कैक्टस। इसके कैक्टस के ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। ये क्या है? कांटे। यह है कांटे, ठीक है। और यह होता है आपका, क्या होता है? हरा तना होता है, हरा तना होता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पहला इसका उदाहरण क्या हो गया? कैक्टस। इसका नाम क्या है? पादप का नाम है कैक्टस, कैक्टस या नागफनी, नागफनी। तो जो मॉर्फोलॉजिकल है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक ही एग्जाम्पल है इसके अंतर्गत, कैक्टस या आपका आता है नागफनी। उसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है फिजियोलॉजिकल। कौन सा आता है? फिजियोलॉजिकल सेकंड आता है आपका, फिजियोलॉजिकल यानी कार्य, फिजियोलॉजिकल यानी कार्य अनुकूलन। तो इसके अंदर कौन आता है? जितने भी प्रकार के आपके जलीय स्तनधारी होते हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, उनके अंदर पाई जाती है ब्लबर। मोटी क्या पाई जाती है? वसा की परत पाई जाती है, जिसे बोलते हैं ब्लबर। वो क्या करती है? हीट इंसुलेटर का काम करती है। उष्मा जो आपके लॉस हो रही है उसको क्या करती है? रोकने का काम करती है। यानी पहला आता है इसका एग्जाम्पल, इसमें तीन चार पांच एग्जाम्पल है। जो इसका पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है जलीय स्तनधारी में, जलीय स्तनधारी में आपके क्या होती है? मोटी वसा की परत, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लबर। ब्लबर जो क्या बोलते हैं? ऊष्मा हानि को रोकती है, ऊष्मा हानि को रोकती है। क्या करती है? ऊष्मा हानि को रोकने का काम करती है। यानी जो स्तनधारी होते हैं जलीय, जैसे वेल हो गए, सील हो गए, डॉल्फिन हो गए, पोर्पोइज हो गए, ये इसमें क्या होती है? बस आपके जो शरीर के नीचे क्या पाई जाती है? आपके जो त्वचा है इसके नीचे पाई जाती है वसा की परत पाई जाती है, इसका नाम है ब्लबर। और जो क्या करती है? आपके ऊष्मा हानि को रोकती है। क्या करती है? ऊष्मा हानि को रोकती है। उसके बाद इसका जो सेकेंड है एग्जाम्पल वो आता है आपके मरुस्थल के अंतर्गत। तो जितने भी प्रकार के पौधे आते हैं वो क्या करते हैं कि दिन को क्या नहीं करते हैं? स्टोमेटा नहीं खोलते, रंध्र को नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? दिन को खोलेंगे उसमें से जल निकल जाएगा, वैसे भी वहां पर जल की कमी है, जल के लिए मर रहे हैं, वैसे भी वहां पर जल की कमी है, तो रंध्र खोलेंगे और हानि हो जाती। तो उसके अंदर क्या होता है कि श्वसन तो करना पड़ता है, यानी जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं? रात्रि को क्या करते हैं? खोलते। वहां पर रात्रि के समय तापमान कम होता है, तो वहां रात्रि के समय खोलते हैं। मरुस्थल, मरुस्थलीय पादप, ठीक है। उसके अंदर देखा होगा आपके, जैसे यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, यह है वहां की कोई भी प्रकार की पत्ती है, वहां पर नीचे की तरफ होगा स्टोमेटा, ठीक है। यह कोई भी प्रकार की पत्ती है और यहां पर पाई जाती है, इसके ऊपर पाया जाता है आपका किसका? क्यूटिकल। मोटी क्यूटिकल होती है ताकि इसे जल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। ये क्या है? मोटी क्यूटिकल। यह है मोटी क्यूटिकल, क्यूटिकल। और यह है पत्ती। यह किसका पौधा है? आपका नीरियम या कनेर का पौधा है, कनेर, ठीक है। ताकि जल की हानि बिल्कुल कम से कम हो, जल की हानि कम से कम हो, इसके लिए वहां पर होता है आपका जो उसके पत्ती होती है उसके ऊपर मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। सेकंड उस पे क्या होता है कि यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं। कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। और इसका जो थर्ड एग्जाम्पल आता है वो आता है जो आपके ठंडे इलाके के अंदर रहने वाली मछलियाँ होती हैं, जैसे अंटार्कटिका के अंदर यानी उत्तरी ध्रुव के अंदर रहने वाली मछलियाँ हैं, उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, एंटी फ्रीज प्रोटीन, एंटी फ्रीज
प्रोटीन। ये क्या करती हैं कि वहाँ पर जो जंतु हैं उसको क्या करती हैं, एक्टिव बनाए रखती हैं। ये क्या करती हैं आपके ठंडे क्षेत्र की मछलियों को एक्टिव बनाए रखती हैं, ठंडे क्षेत्रों की मछली को सक्रिय बनाए रखती है। क्या करती हैं, सक्रिय बनाए रखती हैं। क्या करती हैं, सक्रिय बनाए रखती हैं। ठीक है, ये तो हो गया एंटी फ्रीज प्रोटीन। पहला कौन सा एग्जांपल है इसका, जलीय स्तनधारी ब्लबर का हो गया। दूसरा आ गया आपका कनेर। तीसरा कौन सा आ गया आपका, एंटी फ्रीज प्रोटीन। और चौथा आता है, वो आता है चेप्रोनिंस। क्या आता है, चेप्रोनिंस। चेप्रोनिंस क्या करता है, अत्यधिक तापमान से पौधों की रक्षा करता है ताकि उसके अंदर प्रोटीन होता है वो विकृत नहीं होता है, विकृत नहीं हो, यानी प्रोटीन डीजनरेट नहीं हो, यानी अत्यधिक तापमान से पौधों की रक्षा करना, अत्यधिक ताप से रक्षा करना, ये किसका काम है, चेप्रोनिंस। किसका काम हो गया, चेप्रोनिंस। और एक और यहाँ पर बीमारी आती है, बहुत ही 500 जो एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हो। उस बीमारी का नाम है तुंगता बीमारी, नाम भी सुना होगा तुंगता बीमारी। एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, तुंगता बीमारी। तुंगता बीमारी के अंदर क्या होता है कि भाई कोई कोई नया व्यक्ति है जो मैदानी क्षेत्र के अंदर रहता है, उसको शौक लगा कि मेरे को मनाली पे जाना है, वहाँ पर घूमने जाना है, नहीं पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर घूमने जाना है। यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा कि एकदम जाएगा वहाँ पर तो उसको क्या होगी, उल्टी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, गहरी सांस लेनी पड़ेगी, बार बार सांस लेनी पड़ेगी, और क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, उल्टियाँ होगी बहुत सारी। आप जैसे धीरे धीरे ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ पर उल्टियाँ होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, और उसके बाद में उसके अंदर क्या होगा, गहरी सांसें आने लग जाएगी। लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेगा, एक दो चार पाँच घंटे रेस्ट की, तो फिर आगे बढ़ते हैं रेस्ट की, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, व्यक्ति सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर ने क्या कर लिया, दशानुकूलन कर लिया। क्या है, जो दशा है वहाँ पर, जो अवस्था है वहाँ पर, उसके अनुकूल शरीर को ढाल दिया है, यानी दशानुकूलित कर दिया है। यानी तुंगता बीमारी होती है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जिसके अंदर श्वास दर बढ़ जाएगी, उसके बाद में उल्टियाँ होगी। ठीक है, ये सभी किसके लक्षण आते हैं, तुंगता बीमारी के अंदर आते हैं। ये कहाँ पर जाएंगे तब होगा, ये आप किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जाओगे तभी आपके ये तुंगता बीमारी होगी। कब होगी, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जाने पर ही आपकी क्या होगी, तुंगता बीमारी होती है। कब होगी, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जाने पर ही होती है, वैसे नहीं होती। ठीक है, कब जाने पर होगी, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जाने पर ही होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, नेक्स्ट का क्या नाम है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे माइग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, माइग्रेशन से पहले अपन ने पहला कौन सा अडेप्टेशन पढ़ा, इसके बाद में जस्ट माइग्रेशन पढ़ेंगे। पहला कौन सा पढ़ा, मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा पढ़ लिया फिजियोलॉजिकल, उसके बाद में जो थर्ड आता है वो बिहेवियर कहलाता है, नहीं जो व्यवहारी आता है, तो व्यवहारी के अंदर ही माइग्रेशन आएगा, सस्पेंशन आएगा, और एक और एग्जाम्पल भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो थर्ड है वो आता है आपका बिहेवियरल, यानी व्यवहारीय अनुकूलन, व्यवहार के अनुसार अनुकूलन होता है, उसे बोलते हैं व्यवहारीय अनुकूलन बोला जाता है। तो थर्ड इज व्यवहारीय अनुकूलन, थर्ड का नाम क्या है अनुकूलन का, व्यवहारीय अनुकूलन। व्यवहारीय अनुकूलन या बिहेवियरल अनुकूलन, बिहेवियर के अनुसार अनुकूलन होता है। तो इसका अनुसार, इसका पहला एग्जांपल का नाम है आपका जो रेगिस्तान की शिपकली होती है। एग्जांपल का नाम क्या, फर्स्ट एग्जांपल इज रेगिस्तान की शिपकली, रेगिस्तान की छिपकली,
तो रेगिस्तान की सिपकली, तो रेगिस्तान की सिपकली के अंदर क्या होगा, इसको जब भी क्या होगा ठंड लगेगी तो ये धूप के अंदर आ जाएगी, यानी वहां पर तापमान कम होगा तब ये आ जाएगी, धूप सेकेगी, क्या करेगी, धूप सेके अपना ताप बढ़ाएगी, ठीक है, क्या करेगी, धूप सेकेगी, और जब तापमान ज्यादा है तो ये कहां पर चली जाएगी, आपकी साया में चली जाएगी, कहां पर चली जाएगी, साया में, ठीक, साया के अंदर जाके अपना शरीर का तापमान रेगुलेट करेगी। तो पहला इसका व्यवहार के अनुसार हो रहा है वो है रेगिस्तान की सिपकली, कौन है, रेगिस्तान की सिपकली आती है। उसके बाद में आता है माइग्रेशन यानी प्रवास, बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन, माइग्रेशन या प्रवास, ठीक है। तो माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, माइग्रेशन यानी प्रवास का मतलब समझते हो, प्रवास का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही प्रवास कहलाता है। तो मैं पहला लेता हूं प्रवास लंबी दूरी का, लंबी दूरी प्रवास, ठीक है, दूसरा लूंगा आपका छोटी दूरी, और तीसरा लूंगा वो है आपका पीरियोडिक, पीरियोडिक, ठीक है, आवर्तीय। तो लंबी दूरी, लंबी दूरी का क्या होगा, जैसे यहाँ पर है एक मैं ग्लोब बनाता हूँ, मानचित्र है, ग्लोब का फोटो बनाए, पृथ्वी का फोटो बनाए, ये है जीरो डिग्री अक्षांश, ये क्या है, जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री अक्षांश है, और इंडिया आता है लगभग यहाँ पर, ठीक है, लगभग यहीं आता है मैप में, थोड़ा जीरो डिग्री से ऊपर आता है, और ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। एक है आर्कटिक टर्न्स, क्या है, आर्कटिक टर्न्स, जैसे यहाँ पर सर्दियाँ बढ़ेगी तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी और दक्षिणी ध्रुव तक पहुँच जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, दक्षिणी ध्रुव तक पहुँच गई। अब यहाँ पर फिर सर्दियाँ बढ़ेगी तो पुनः भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव, तो ये लगभग एक चक्कर के अंदर 17,000 किलोमीटर चलती है, 17,000 आई 17 गई, तो सबसे ज़्यादा दूरी यही तय करती है, इसका नाम क्या है, आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न, जो 17,000 सबसे लंबी दूरी तय कौन करती है, आर्कटिक टर्न। ये केबीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे लंबी दूरी का माइग्रेशन किसके अंदर पाया जाता है, वो पाया जाता है आर्कटिक टर्न, और दूसरा जो पाया जाता है वो है यहाँ से इंडिया के अंदर आते हैं, कहाँ पर आएंगे, इंडिया के अंदर, उसका नाम है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जो कहाँ पर आता है, राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर, केवला देव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य के अंदर, भरतपुर के अंदर, ठीक है, ये लगभग चलता है 5,000 किलोमीटर साइबेरियन क्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइबेरियन क्रेन, जो एग्जाम में आ रखा है एक बार, ठीक है, भरतपुर के अंदर आती है, जहाँ पर पाया जाता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, भरतपुर जिले के अंदर है, जो किसके लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन के लिए। ये तो हो गया लंबी दूरी का परिवहन, तो लंबी दूरी का परिवहन दो में पाया जाता है, आर्कटिक टर्न्स और साइबेरियन क्रेन। दूसरा आता है छोटी दूरी का, छोटी दूरी का परिवहन है वो किसके अंदर पाया जाएगा, आपके इल्क वहेल, इसमें पाया जाता है, ये क्या होता है, ठंडे प्रदेशों के अंदर होते हैं, वो क्या आ जाते हैं, आपने देखा होगा कभी जो ठंडी कंट्री है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, सड़कों पे जो भालू आ गया या इल्क आ गए सड़कों पे आ जाते हैं, उनके अंदर छोटा छोटा क्या है, पहाड़ी प्रदेशों से क्या आ जाते हैं, शहरों के अंदर आ जाते हैं, ये छोटी दूरी का परिवहन हो गया। उसके बाद में थर्ड आता है, वो आता है पीरियोडिक, तो पीरियोडिक आपने देखा होगा कि अभी जो कहर चल रहा था वो किसका चल रहा था, टिड्डियों का कहर चल रहा था, जो पीरियोडिक है वो इसका उदाहरण है टिड्डी या लोकस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकस्ट। तो टिड्डी क्या होती है, 4 से 5 ईयर के अंदर आती है, 4 से 5 साल के अंदर इसका माइग्रेशन होता है, कितने साल में होता है, 4 से 5 साल के अंदर इसका माइग्रेशन होता है, वो होता है पीरियोडिक टेबल के, पीरियोडिक माइग्रेशन होता है 4 से 5 साल के, ये समूह में चलते हैं, लेकिन समूह में चलते हुए भी एक दूसरे की सहायता नहीं करते, इसे बोलते हैं ग्रिगेरियन, क्या बोला जाता है, ग्रिगेरियन बोला जाता है, एक साथ चलते हुए भी एक दूसरे की ये क्या नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं। और थर्ड उसके बाद में आता है बिहेवियरल के अंदर ही आता है आपका सस्पेंशन, क्या आता है, सस
अगला बिहेवियरल के अंदर भी आता है सस्पेंशन। क्या आता है? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन या निलंबन, निलंबन यह भी पुनः तीन प्रकार का होगा, देखा होगा आपने, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता और उपरति। शीत निंद्रा या निष्क्रियता, शीत निंद्रा, ग्रीष्म निंद्रा और उसके बाद में आता है आपका उपरति। क्या आता है? उपरति। शीत निद्रा को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन, हाइबर नेशन। ग्रीष्म निष्क्रियता को बोलते हैं एस्टिवेशन और उपरति को बोला जाता है डायापोज, डायापोज। शीत निद्रा, शीत निद्रा किसके अंतर्गत आती है? आपका मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू। शीत निष्क्रियता किसके अंदर पाई जाती है? ध्रुवीय भालू, जो जंगल बुक एक मूवी आई थी उसके अंदर भी उसको बताया जाता है। और उभयचर भी आते हैं और सरीसृप भी इसके अंतर्गत आते हैं। उभयचर, उभय चर, उभय चर और सरीसृप, सरीसृप। तो ग्रीष्म निद्रा की बात करता हूं, इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है लंग फिश। लंग फिश यानी जो फेफड़े वाली मछली आती है। शीत निष्क्रियता का मतलब क्या समझते हो? कि जैसे ही ठंड आएगी तो ये क्या हो जाते हैं, कई बार ऐसी जगह पर चले जाते हैं, नहीं पूरी की पूरी निद्रा के अंदर जाती है। ध्रुवीय भालू होता है वो पहले क्या करता है कि जैसे ही उसको पता है कि अब ठंड आने वाली है, उससे पहले ये क्या करता है, अपने शरीर का वजन बढ़ा लेता है। इन मछलियों को बहुत सारी खाएगा और शरीर का वजन लगभग 400 किलो तक कर देता है। फिर किसी ऐसी गुफा के अंदर चला जाता है जब बाहर ठंड पड़ रही है, उसको पता है कि ठंड के बाहर अपन को क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, बर्फ जम जाएगी। तो ये किसी आपके चट्टान या गुफा के अंदर चला गया और जैसे ही बाहर आता है तो उसका वजन रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 किलो ही रह जाता है। तो ये तो हो गया शीत निंद्रा। उसके बाद ग्रीष्म निंद्रा के अंदर क्या होता है कि जैसे बाहर बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, जैसे आप देखते हो कि जो मेंढक होते हैं गर्मियों में और सर्दियों में नहीं देखते हैं, केवल और केवल बारिश के समय दिखाई देते हैं, बाकी समय ये निंद्रा के अंदर रहते हैं और जमीन के अंदर चले जाते हैं। तीसरा आता है डायापोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायापोज, डायापोज के अंदर क्या होता है कि ये डोरमेंसी का अवस्था है। डोरमेंसी, डोरमेंसी की अवस्था है, इसके अंदर पूरा का पूरा निष्क्रिय रहता है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? जू प्लैंकटन यानी जंतु पलवक, जंतु पलवक या जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन किसका उदाहरण है? उपरति का उदाहरण है या डायापोज का जू प्लैंकटन आता है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। ये तो तीन प्रकार के अनुकूलन पढ़ लिए। इसके बाद में आता है एजीवी घटकों की अनुक्रियाएं आती है। क्या आती है? अनुक्रिया। एजीवी कारक है या घटक है, उसके प्रति कौन कौन से रेस्पॉन्स आते हैं? ठीक है, रेस्पॉन्स आते हैं यानी एजीवी के, एजीवी घटकों के प्रति क्रियाएं या रेस्पॉन्स, एजीवी के घटकों की क्या है? प्रति अनुक्रिया। एजीवी के प्रति अनुक्रिया या रेस्पॉन्स, अनुक्रियाएं कोष्टक में है रेस्पॉन्स। ठीक है, एजीवी के घटकों के प्रति अनुक्रिया रेस्पॉन्स। यहां पर दो प्रकार के जंतु मिलते हैं, एक होता है रेगुलेटर्स, एक होता है कन्फर्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटर और दूसरा है कन्फर्मर, कन फर्मर्स। रेगुलेटर को बोलते हैं नियामक और कन्फर्मर को बोलते हैं आपके संरूपक।
क्या बोलते हैं, सरूपक। नियामक के अंदर, रेगुलेटर के अंदर क्या आता है कि जैसे बाहर का तापमान बदल रहा है फिर भी शरीर का तापमान नहीं बदल रहा। बाहर का 20 डिग्री है तो शरीर का 37 डिग्री, बाहर का 50 डिग्री है फिर भी शरीर का 37 डिग्री, यानी बाह्य वातावरण के अनुसार, बाह्य वातावरण के अनुसार शरीर का ताप नहीं बदलना, शरीर का ताप नहीं बदलना, ठीक है। और जो कन्फर्मर सरूपक होते हैं इसके अंदर क्या होगा, बाह्य वातावरण के अनुसार शरीर का ताप बदलेगा। बाह्य वातावरण के अनुसार शरीर का ताप बदलना, बाह्य वातावरण के अनुसार शरीर का ताप बदलना, शरीर का ताप बदलना, ठीक है, बाह्य वातावरण के अनुसार शरीर का ताप बदलना। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आता है पक्षी और स्तनधारी, यानी जो मानव है वो स्तनधारी क्लास के अंदर आता है। पक्षी और स्तनधारी इसके अंदर कौन आएगा, बाकी से जितने भी प्रकार के 99% जंतु व सभी पादप, वो सब क्या होते हैं, बाह्य वातावरण के अनुसार उनका तापमान चेंज होता है। उसके बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर एक ग्राफ आता है, वो भी एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जनरली ग्राफ एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ एक, ठीक है। तो ये मैं बाह्य वातावरण ले लिए दोनों, यह है एक्सटर्नल और यह है आंतरिक, यह है इंटरनल। जैसे यह 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और यह है 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। जैसे मानव का तापमान होता है शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये किसी भी तापमान 10 डिग्री पर भी 37 होगा, 20 पर भी 37 होगा, 30 पर भी 37 होगा, 40 पर भी 37 होगा, 50 पर भी 37 ही होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। उसके बाद में जैसे मैंने पादप ले लिया, तो पादप क्या होता है, बाह्य वातावरण के अनुसार शरीर का तापमान परिवर्तित, बाह्य वातावरण बढ़ रहा है तो शरीर का तापमान भी बढ़ रहा है। एक और आता है यहाँ पर पार्शियल रेगुलेटर्स, कुछ समय के लिए तो कन्फर्मर थे लेकिन बाद में रेगुलेटर बन जाते हैं। तो इनके ग्राफ पूछा जाता है कि कौन से ग्राफ किसके हैं, ये है आपका कन्फर्मर्स, ठीक है, और जो रेड वाली लाइन है ये है रेगुलेटर्स, और जो नीचे वाली है वो है पार्शियल्स यानी आंशिक नियामक, क्या है, आंशिक नियामक। इसका अंदर क्या होगा, कुछ समय के लिए तो शरीर उसके अनुसार बदलेगा, बाद में नहीं बदलता है। उसका उदाहरण आता है आपका हमिंग पक्षी या बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड होती है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है, वो इसका एग्जाम्पल होता है। कौन है, हमिंग पक्षी, ठीक है। तो अब तक हमने दो प्रकार के अजैविक के घटकों तो पढ़ लिया है, पहला कौन सा पढ़ा, प्रकाश, दूसरा कौन सा पड़ा, तापमान। उसके बाद में जो थर्ड आता है वो आता है आपकी मृदा, कौन आती है, मृदा यानी सॉयल। तो सॉयल के अंतर्गत क्या होता है, आपने देखा होगा कि मिट्टियां भी कई प्रकार की होती हैं, कोई लाल मिट्टी, कोई दोमट मिट्टी, कोई चिकनी मिट्टी, कोई आपकी बड़ी वाली मिट्टी, बहुत सारी अलग अलग मिट्टियां होती है। थर्ड है आपका मृदा या सॉयल, मर्दा। तो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी दोमट मिट्टी।
सबसे अच्छी मिट्टी, यानी फसल की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। कौन सी है? दोमट मृदा। तो दोमट मृदा, दोमट मिट्टा, दोमट मृदा है, उसको सबसे अच्छा क्यों माना गया है? क्योंकि अंदर इसके अंदर उच्च एजिएशन, यानी वायुमंडल होगा, उच्च एरिएशन और उच्च जल धारण क्षमता होगी। उच्च नहीं, जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा है, उच्च जल धारण क्षमता। इन दोनों कारणों के कारण ही क्या है कि जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी मिट्टी मानी जाती है? आपके दोमट मिट्टी को माना गया है। उसके बाद में मृदा में बहुत सारे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृदा में बहुत सारे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आपके ह्यूमस। मृदा में उपस्थित मृत कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल के दृष्टि से समझ रहा हूं, यह है कोई भी प्रकार का पादप की पत्ती है, ये क्या है? पादप की पत्ती है। और यह कोई भी जीव है, क्या है? जीव है। ठीक है, अब इसका क्या होगा? पहले सबसे पहली प्रोसेस होती है खंडन। क्या होगा? खंडन। खंडन कौन करेगा? केचुआ या टर्मिट्स। केचुआ, केचुए ने खंडन कर दिया। जैसे खंडन कैसे होगा? ये है पत्ती, ये पत्ती टूट गई छोटे छोटे टुकड़ों। उसके बाद में ये है कोई भी जीव जंतु, ये भी टूट गया। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा प्रोसेस आता है, वो आता है आपका लीचिंग। इसे बोलते हैं आपके लीचिंग या निक्षालन। निक्षालन इसके अंदर कैसे होगा? निक्षालन, यहाँ से ये बह जाएंगे और मृदा के अंदर चले जाएंगे, ये हो गए निक्षालन, बारिश के साथ बह गए। थर्ड आता है, वो आता है आपका अपचयन। थर्ड प्रोसेस आता है अप चयन, और उसके बाद में उसको किसके अंदर चेंज किया जाएगा? सरल कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक। प्लस खनिज लवण, मिनरल्स के अंदर। तो ऐसे जो भी कोई भी आपका जंतु है या पादप है, उसको टूट के किसके अंदर टूटेगा? आपके सरल कार्बनिक पदार्थ प्लस खनिज लवण के अंदर टूट जाएगा। यानी ये तो इसकी हो गई। उसके बाद में जो मृदा है उसकी एक उपयुक्त पीएच होती है, पीएच भी अपन ने बहुत सारी पढ़ी है। तो मृदा की उपयुक्त पीएच, ये सबसे अच्छी पीएच किस मृदा की, जो सबसे अच्छी पीएच होती है वो फसल के लिए, वो होती है आपकी 5.5 से 6.5, 5.5 to 6.5। उसके बाद में जो अपघटक हो रहे हैं, अपघटन हो रहे हैं, कोई भी चीज़ का अपघटन होते हैं, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखते हैं अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत पहला कारक आता है आपका ताप, दूसरा आता है आर्द्रता या नमी, ठीक है, तीसरा आता है आपका ऑक्सीजन, और चौथा आता है जो अप्रद है उसकी प्रकृति, अप्रद। ठीक है, तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? ये दो,
नहीं, तापमान और आर्द्रता। आपको पता है कि जो भी आप खाना रखते हो बाहर, वो कौन से मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा खराब होता है? न ज़्यादा ठंड के अंदर होता है, न सबसे ज़्यादा गर्म गर्म। लेकिन जब भी बारिश का मौसम होता है, उसके अंदर आप कोई भी भोजन बाहर रख लो, 24 घंटे के अंदर खराब हो जाएगा, उसके ऊपर फंगस लग जाएगी। नहीं, तापमान उसके अंदर अच्छा है, उसके बाद नमी भी अच्छी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण कारक है, दोनों महत्वपूर्ण कारक। आपको पूछ लिया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं अपघटन के लिए, वो होते हैं तापमान और आर्द्रता। जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर तापमान भी सही रहता है, आर्द्रता भी सही रहती है, वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपके अपघटन होता है। सबसे ज़्यादा अपघटन कहाँ पर होता है? आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर। कहाँ पर होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होता है। कहाँ पर होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। और चौथा आता है, वो आता है जल। तीसरा था मृदा और चौथा आता है जल। अजीवी घटकों के अंदर चौथा आता है जल या वाटर। तो जल के अंदर क्या होता है? जल जो आप पीते हो, उसके बाद में जल का मापन किया जाता है कि जो जल, कौन सा जल अच्छा है, कौन सा जल खराब है। तो जो जल है, कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है, उसके आधार पर मापन किया जाता है। यानी स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल वो होगा लेस देन 5 PPT। 5 PPT, 5 PPT से कम है तो स्वच्छ जल है। उसके बाद में जो आपका महासागरीय जल है, समुद्रों का जल है, वो होता है लगभग 30 PPT या 35 PPT। उसके बाद में अति लवणीय, बहुत ज़्यादा लवण है उसके अंदर, इसे बोलते हैं लगुनों। ये नाम सुना होगा, जैसे चिल्का झील हो गई, तो ये लगुनों के अंतर्गत आती है। इनकी होती है लगभग 100 से ज़्यादा PPT होती है। कितनी होती है? 100 से ज़्यादा PPT होती है। यानी जो स्वच्छ जल है उसकी PPT 5 से कम, लेकिन समुद्री जल या महासागरीय जल की कितनी होगी? 30 से 35 के लगभग। और अति लवणीय लगुनों होती है उसकी 100 PPT के समथिंग होती है। कितनी होती है? 100 PPT के समथिंग होती है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है? जो एबायोटिक फैक्टर है, ए जैविक घटक है, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा, पहला पढ़ा था प्रकाश, दूसरा तापमान, तीसरा कौन सा पढ़ा आपने? जो मृदा है, और चौथा हमने पढ़ा जल। इनके सभी के सभी फैक्टर पढ़े, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्पादकता। क्या पढ़ेंगे? उत्पादकता। और यदि आप उन 4-5 पार्ट को जरूर देखना है जरूर, और इस वीडियोज़ को आपको क्या करना है, नोट करके किसी आपके बुक्स के अंदर जरूर लिख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम के अंदर जब भी आप रिवीजन कर सकें, ताकि वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते, आप कॉपी के अंदर जरूर लिख लें। थैंक यू सो मच।